देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको nth टर्म बताया था, p ऑफ n, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर ए फर्स्ट टर्म, वेयर डी कॉमन डिफरेंस, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। और इस पर मैंने कुछ इलस्ट्रेशन भी कराए थे बेटा आपको, ठीक है। अब आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। p में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबका सम। फर्स्ट टर्म क्या बेटा एपी का? a। सेकेंड टर्म a प्लस डी। थर्ड टर्म a प्लस 2d। एंड लास्ट टर्म बेटा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी के पर्टिकुलर टर्म्स हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म है बेटा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म। बेटा मुझे इन सबका सम कैलकुलेट करना है, तो चलो ऐड करते हैं इनको। इन सबको मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को हम एस कंसिडर कर लेते हैं, एस मतलब सम, ओके। अब एक काम करते हैं, एस मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो लास्ट टर्म है उसको मैं फर्स्ट टर्म पर लाता हूं। मैं क्या करूंगा, सीरीज को रिवर्स करता हूं, ठीक है। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पर आएगा और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पर आएगा, ओके। मैं सीरीज को पलट रहा हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म क्या है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, बेटा सेकेंड लास्ट क्या होगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी अप टू। ये एन माइनस टू क्लियर है बेटा? आप देखिए एक एक का डिफरेंस चल रहा है, वन डी, टू डी, थ्री डी, अप टू एन माइनस वन। एन माइनस वन के पहले आएगा बेटा एन माइनस टू, तो ये सेकेंड लास्ट हो गया। और लास्ट में क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पे पहुंच जाएगा ए। मैंने क्या किया है, सीरीज को रिवर्स कर दिया बेटा, देन एड। अब चलो एड करते हैं, तो एस प्लस एस टू एस। अब बेटा जैसे हम एड करेंगे तो इसको इससे एड करते हैं और इसको इससे एड करते हैं। चलो ऐड करते हैं, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आप जब इस टर्म को इस टर्म से ऐड करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आप यही निकालोगे। आप देखें, ए प्लस ए टू ए और ये वन डी है बेटा, वन डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो बेटा वन डी प्लस एन डी माइनस टू डी, फाइनली आ गया एन डी माइनस वन डी। तो एन डी कॉमन, एन माइनस वन डी। तो देखो बेटा, जैसे आपने सेकेंड को इससे ऐड किया तब भी यही टर्म आ रही है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा हमने क्या देखा कि इसको इससे ऐड कर रहे हैं तब भी आ रहा है, इसको इससे ऐड कर रहे हैं तब भी आ रहा है। अच्छा चलो, तो लास्ट को ऐड करते हैं, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड करते हैं। तो ऐड करो बेटा ए प्लस ए टू ए, तब भी यही आएगा। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है बेटा? एन टाइम्स। आप देखें एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है और वो एन टाइम्स है। तो एन, अब आप क्या करेंगे, टू से डिवाइड। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? एस बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ये है एपी का सम, सम ऑफ nth टर्म। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं, n बाय टू, टू ए को मैं लिखता हूं बेटा a प्लस ए। और जैसे ही आपने a प्लस ए लिखा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा बेटा लास्ट टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लास्ट टर्म। तो हमारे पास बेटा दो फार्मूले आ गए, n बाय टू इंटू ए प्लस एल। तो एपी का सम होता है बेटा एस ऑफ nth टर्म, एस ऑफ सम ऑफ nth टर्म, एस ऑफ एन क्या होगा? एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन बाय टू ए प्लस एल।
where A, past term, where L, last term, where N, number of terms, where D, common difference. तो बेटा ये है sum of nth term. मतलब यदि आपको AP का sum calculate करना है तो आपको ये formula apply करना है. ठीक है, इसको आप note कर लें अच्छे से बेटा. देखिए तो बेटा मैंने आपको दो आर्टिकल पढ़ा दिए, AP में nth term Pn, A plus n minus 1 into D. अच्छा एक और बात बताऊंगा मैं आपको, इफ डी पॉजिटिव देन इंक्रीजिंग एपी. बेटा यदि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो एपी इंक्रीजिंग एपी है. ओके, इफ डी नेगेटिव देन डिक्रीजिंग एपी, और इफ डी जीरो देन ऑल टर्म्स रिमेन सेम. जितनी भी टर्म्स होंगी वो सेम होंगी. आप D0 कर देंगे तो फर्स्ट टर्म भी A होगा, सेकेंड टर्म भी A होगा, थर्ड टर्म भी A होगा, इस तरीके से. A A A A बेटा ये भी AP में है, लाइक 1 1 1 1 1, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? जीरो. ओके, ये हाईलाइट है बेटा, लिख लेना इसको, नोट कर लो. इफ D पॉजिटिव देन इंक्रीजिंग AP, इफ D नेगेटिव देन डिक्रीजिंग AP, इफ D0 देन ऑल टर्म्स रिमेन सेम. एक और बात बेटा, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है और ये जो लास्ट टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बेटा फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है, और यदि मैं सेकेंड टर्म लिखता हूं ए प्लस वन डी और सेकेंड लास्ट ए प्लस एन माइनस टू, बेटा सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, अभी अभी हमने जब सम कैलकुलेट किया था तो हमने ये पाया था कि फर्स्ट और लास्ट का सम किसके इक्वल होगा बेटा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, ये सब इक्वल होंगे. लाइक एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो इसे 1 3 5 7, तो बेटा 1 और 7 का सम 8 और 3 और 5 का सम 8, और ये जो 8 है वो कांस्टेंट है. देखो तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा और सेकेंड लास्ट का जो सम होगा ये सब कांस्टेंट हो गए और वो एक ही वैल्यू होगी. ओके, ये एक हाईलाइट होगी बेटा. नेक्स्ट हाईलाइट देखें बेटा, इनको डायरेक्टली याद रखना. फर्स्ट ये मैंने बताया, सेकेंड मैंने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट. ओके, थर्ड हाईलाइट है कि मान लीजिए एपी के तीन नंबर है 1 3 5. बेटा एपी में आपके पास तीन नंबर या कितने भी नंबर हो, सुनो बेटा, एपी में एक खूबी होती है कि आप किसी भी नंबर से आप ऐड करते हैं. मान लो आपने इन तीनों नंबर में 2 ऐड किया, चलो ऐड करते हैं 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 5 7. ऑल्सो इन एपी देखें आप, ये भी एपी में. बेटा यदि एपी में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी वो एपी ही रहती है. ओके, एपी में यदि कोई नंबर एपी में है तो आप एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर सकते हैं, बट वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए. वो सिर्फ डिवाइड वाले केस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते. यदि जीरो से डिवाइड करेंगे तो सारे नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, इंफिनिटी हो जाएंगे. इसलिए हम बोलते हैं कि प्लस करो या माइनस करो या इंटू करो या जीरो करो, एपी में फर्क नहीं पड़ेगा. ये एपी की हाइलाइट्स है बेटा. ठीक है, नेक्स्ट सुने आप, यदि आपको एपी के तीन नंबर कंसीडर करने हैं, फर्स्ट थ्री नंबर, तो याद रखना बेटा ए माइनस डी, ए ए प्लस डी. जब भी मैं आप सब लोग की एपी के तीन नंबर कंसीडर करो तो आप ये कंसीडर करेंगे, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी. लिख लेना फर्स्ट थ्री नंबर. एपी में आपको तीन नंबर कंसीडर करने हैं तो आप ये नंबर कंसीडर करेंगे, फर्स्ट थ्री नंबर ए माइनस डी, ए ए प्लस डी. ये एपी के तीन नंबर है बेटा. और यदि आपको चार नंबर लेना है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी. ये एपी के बेटा चार नंबर है. फर्स्ट फोर
फोर नंबर, यदि आपको कंसीडर करना है तो ये नंबर लेंगे बेटा, इनको डायरेक्टली याद रखो ठीक है। नेक्स्ट हाईलाइट देखें, मान लीजिए एपी में तीन नंबर है ए बी सी, आर इन एपी, मान लो ए बी सी एपी में है बेटा, तो 100% बीच वाले का जो डबल है वो इन दोनों के सम की इक्वल होगा। बेटा ये कैसे हुआ, एबीसी तीन नंबर एपी में कब होंगे जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को ट्रांसफर कर दिया तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ठीक है। तो यदि एपी में तीन नंबर है तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे बेटा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और ये सब हाईलाइट पर ध्यान देना बेटा, इफ d पॉजिटिव इंक्रीजिंग, इफ d नेगेटिव डिक्रीजिंग, इफ d जीरो, ऑल टर्म्स रिमेन सेम लाइक a a a a। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट ये सब कॉन्स्टेंट होते हैं, इनका सम कॉन्स्टेंट है और वो इक्वल है ओके। फिर मैंने बताया कि एपी के तीन नंबर लेना है तो आप ये नंबर लेंगे बेटा, एपी के तीन नंबर जब कंसीडर करना है आपको तो ये नंबर लेना। अच्छा एपी का तीन नंबर जब आप लेते हैं तो फर्स्ट नंबर ये होगा बेटा, सेकंड नंबर ये होगा और थर्ड नंबर ये होगा, और यदि एपी के चार नंबर लेना है ठीक है। एक और हाईलाइट देखें, हर एक सीरीज के लिए nth टर्म जो होता है, फॉर एनी सीरीज tn इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। बेटा ये जो फार्मूला है ये हर एक सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, जब भी आपके पास किसी सीरीज का सम ऑफ nth टर्म हो तो आप tn कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा sn का मतलब क्या है, सम ऑफ nth टर्म लाइक t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, इन सबका जो सम होगा वो sn होगा ओके। तो फार्मूला क्या है, sn माइनस s ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू tn ठीक है। आप इसको नोट कर लें फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप देखिए, मैंने अभी भी एक सीरीज, हर एक सीरीज के लिए एक फार्मूला दिया, tn इज इक्वल टू s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस वन। बेटा ये हर एक सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लो कि sn गिवन है n स्क्वायर, if sn n square then find t of n। बेटा sn given है और tn calculate करना है, तो चलो start करते हैं। tn is equal to sn के place पर रखेंगे बेटा n square। अच्छा s of n minus 1 का मतलब क्या है, n को replace करेंगे n minus 1 से, n के place पर क्या आ गया बेटा n minus 1, तो s ऑफ n माइनस वन क्या होगा, n माइनस वन होल स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा, यहां n है तो मैंने n के प्लेस पर क्या लिख दिया, n माइनस वन, तो n माइनस वन होल स्क्वायर। अब चलो एक्सपांड करते हैं, n स्क्वायर माइनस बेटा इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो टू एन माइनस वन, बेटा ये आ गया एनथ टर्म, ये उस सीरीज का एनथ टर्म आ गया। अब आपको इसका नेचर बताना है कि कौन सी सीरीज है, तो नेचर कैसे बताएंगे बेटा, एन स्टार्ट करते हैं, इफ एन वन देन फर्स्ट टर्म, चलो टी वन कैलकुलेट करते हैं, एन वन रखते हैं तो टू इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू वन ओके। इफ एंड टू देन टी टू क्या होगा बेटा, टू इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री ओके। फिर क्या आएगा टी थ्री, चलो टी थ्री कैलकुलेट करते हैं, टू इंटू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। तो फाइनली फर्स्ट टर्म आया बेटा वन, सेकेंड टर्म थ्री और थर्ड टर्म फाइव। और बेटा ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर जो है एपी में
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपने क्या सीखा बेटा कि यदि Sn एक क्वाड्रेटिक है, यह Tn लीनियर है, देखो ये लीनियर है, डिग्री वन ये Tn है, और यदि Tn लीनियर है तो 100% वो जो सीरीज होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, बनेगी ही बेटा, ये उसका नेचर है। ये जो सीक्वेंस बना है वो एपी है। तो यदि Sn क्वाड्रेटिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ n और Tn लीनियर फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ n, देन 100% सीरीज जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। मैंने आपको बता भी दिया एक एग्जांपल से, 135 एपी में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और ये जो फार्मूला मैंने दिया है ये हर एक सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। Sn आपको कैसे सिखाता है, सम ऑफ nth टर्म, और Tn कैसे सिखाता है, नंबर ऑफ टर्म्स, Tn मतलब लास्ट टर्म, या उस सीरीज का नेचर बताएगा आपको। यदि n1 तो फर्स्ट टर्म, n2 तो सेकंड टर्म। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा। Tn तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, अब मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा आप लिखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन Sn। अब मैं कुछ Sn पर क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा। Sn का फार्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या n बाय 2 a प्लस l, वेयर l लास्ट टर्म। बेटा ये दोनों ap के सम है, ओके। चलो इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म 45 एंड द लास्ट टर्म 45 एंड द सम 400 एंड द सम 400। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम 400, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, और कैलकुलेट करना है n और d। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम बेटा 400 है, तो 400 इज इक्वल टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म क्या बेटा 5, और l लास्ट टर्म क्या है 45। कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा बेटा n बाय 2, ये हो गया 50, 400। तो n आएगा बेटा 16, ये 25 और 400 अपॉन 25 दैट इज 16। n आएगा बेटा 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। अब चलो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a लास्ट टर्म क्या है 45, a है बेटा 5 और n माइनस 1 15 इंटू डी, ये कितना होगा 15 डी। तो बेटा d की वैल्यू होगी 40/15, इसको काट दो आप 8/3, 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस 8/3। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सम ऑफ nth टर्म पर रिलेटेड था, मेरे पास डाटा जो दिया था वो सफिशिएंट था, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, s सम एंड n अननोन है एंड d अननोन है। तो बेटा मैंने ये फार्मूला लगाया,
और L मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, AP का लास्ट टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, वेयर A फर्स्ट टर्म, वेयर D कॉमन डिफरेंस, वेयर N नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. लिखिए बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27, थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं तो मैं एपी की ही बात करूंगा. इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27, आगे लिखे, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 293, देन फाइंड सम ऑफ nth टर्म, देन फाइंड सम ऑफ nth टर्म. बेटा एपी के फर्स्ट थ्री नंबर या फर्स्ट थ्री टर्म्स, बेटा हमारे पास एपी है और एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है 27 और उनके स्क्वायर का सम है 293, देन फाइंड SN. ओके, अब देखिए मैं आपको इसका मीनिंग तो बता ही दिया मैंने, स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए आप. बेटा SN कैलकुलेट करना है और एपी के तीन नंबर मैंने आज ही पढ़ाया आपको. एपी के जब भी तीन नंबर लेना हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स मैंने ये ले लिए, कंसीडर कर लिए, लाइक फर्स्ट थ्री टर्म्स ए माइनस डी, ए ए प्लस डी. बेटा ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों टर्म मैंने कंसिडर कर लिए. अब इन तीनों का जो सम है बेटा, इन तीनों का जो सम है वो 27 है. ठीक है, तो ऐड कर देता हूं मैं, डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब इनके स्क्वायर का सम बेटा a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293. अब आप एक काम करें, a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, 9 माइनस डी होल स्क्वायर 81, 9 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293. अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें. सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d. बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 81 प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इज इक्वल टू 293. अब 18d कैंसिल बेटा, 2d स्क्वायर प्लस 81 ऐड करो, 3 243. बेटा आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5. तो बेटा कॉमन डिफरेंस आ गया प्लस माइनस 5 और फर्स्ट a है 9. चलो अब a और d की वैल्यू याद रख देते हैं.
बेटा एपी का फर्स्ट नंबर मैंने क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट नंबर मैंने कंसीडर किया था ए माइनस डी. अच्छा टेकिंग डी, टेक डी इज इक्वल टू प्लस फाइव, डी में फाइव कंसीडर करता हूं. एक बार डी फाइव लेंगे बेटा और एक बार डी माइनस फाइव लेंगे. इसका मतलब है कि वो दो एपी हैं, एक इंक्रीजिंग एपी है और एक डिक्रीजिंग एपी है. चलो ए माइनस डी तो नाइन माइनस फाइव मतलब फोर. ठीक है सेकेंड, फर्स्ट टर्म तो आ गया बेटा फोर, तो फर्स्ट टर्म फोर है, सेकेंड टर्म नाइन है और थर्ड टर्म फाइव प्लस नाइन फोर्टीन. बेटा फर्स्ट एपी आ गई फोर नाइन फोर्टीन. इसी तरीके से सेकेंड एपी क्या होगी बेटा, अब डिक्रीजिंग एपी बना लेता हूं, फोर्टीन नाइन फोर. हमारे पास दो एपी होंगी, फोर नाइन फोर्टीन फोर्टीन नाइन फोर, एक इंक्रीजिंग एपी है और एक डिक्रीजिंग एपी है. ठीक है अब कैलकुलेट क्या करना है बेटा, सम ऑफ nth टर्म एस एन. तो दोनों एपी का हम एस एन निकालेंगे. फर्स्ट एपी कौन सा है बेटा, फोर नाइन फोर नाइन फोर्टीन. हाँ भाई एन बाय टू टू ए, ए क्या बेटा फोर, फोर टू सा एट प्लस एन माइनस वन डी फाइव. कैलकुलेट करो इसको, एन बाय टू फाइव एन प्लस थ्री, ये आ गया बेटा सम ऑफ nth टर्म फर्स्ट एपी का. सिमिलरली सेकेंड एपी का एस एन क्या होगा, एन बाय टू. हाँ भाई सेकेंड एपी क्या है, फोर्टीन नाइन फोर, तो ए हो गया फोर्टीन, फोर्टीन टू सा एट ट्वेंटी एट, एन माइनस वन इंटू माइनस फाइव. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एन बाय टू कितना होगा, फाइव प्लस ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी थ्री माइनस फाइव एन. ये है बेटा फाइनल आंसर. एक आंसर तो ये आ गया और एक आंसर ये आ गया. एस एन मुझे कैलकुलेट करना था बेटा, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था. अच्छा एक बात मैं बताना चाहूंगा, यहां पर कुछ बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं. मैंने फर्स्ट नंबर लिया है बेटा ए माइनस डी, इसलिए मैंने मेंशन किया है ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है. कुछ बच्चे ये फर्स्ट नंबर ले लेते हैं जबकि ये फर्स्ट नंबर नहीं है, नाइन तो यहां पर सेकेंड पोजिशन पर है. फर्स्ट नंबर क्या है ए माइनस डी, सेकेंड नंबर पर ए, थर्ड नंबर पर ए प्लस डी. तो बेटा जब भी आप एस एन निकालो तो एस एन में फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एन के प्लेस पर तो ठीक है एन एन है, बट ए के प्लेस पर यहां पर एक बार फोर रखेंगे और एक बार फोर्टीन रखेंगे. यहां पर दो एपी है बेटा क्योंकि डी की वैल्यू दो है, प्लस माइनस फाइव, एक इंक्रीजिंग एपी है और एक डिक्रीजिंग एपी. इंक्रीजिंग एपी इफ डी पॉजिटिव, देन डिक्रीजिंग एपी इफ डी नेगेटिव. ये अभी भी मैंने हाइलाइट्स बताई आपको. ठीक है तो था बेटा सेकंड क्वेश्चन एस एन पर बेस्ड. तो जब भी एपी के तीन टर्म्स की बात करे वो या तीन नंबर की बात करे तो आप कंसिडर करना ए माइनस डी ए ए प्लस डी. ओके नेक्स्ट लिखिए बेटा नेक्स्ट, इन एन एपी, इन एन एपी इफ इफ पी एम इज इक्वल टू वन अपॉन एन एंड टी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एम, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट एस ऑफ एम एन इज इक्वल टू हाफ एम एन प्लस वन. बेटा टीएम और टीएन गिवन है, एपी की दो टर्म गिवन है और वो आपसे सम पूछ रहा है, वो भी एम एन तक का. ओके सम ऑफ एम एन टर्म्स, ये हमें प्रूफ करना है बेटा. चलो स्टार्ट करते हैं, पहले जो गिवन है उस पर बात करते हैं. बेटा ये गिवन है ओके. अच्छा एपी का टीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, एपी का टीएम फार्मूला क्या लगेंगे, ए प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या है एम,
तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n. ये बन गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सिमिलरली tn क्या होगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से a और d की वैल्यूज आ जाएगी. सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर देते हैं, a से a कैंसिल. अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, m माइनस n, बेटा d कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. ये हो गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m. अब आप एलसीएम ले ले, m माइनस n अपॉन mn, m माइनस n इंटू d, m माइनस n कैंसिल. तो बेटा कॉमन डिफरेंस आ गया 1 अपॉन mn, कॉमन डिफरेंस तो 1 अपॉन mn आ गया. अब कॉमन डिफरेंस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो आप. चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो कैपिटल a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू रख देते हैं बेटा 1 अपॉन mn. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन n. आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, चलो m मल्टीप्लाई करते हैं, तो m से m कैंसिल, 1 अपॉन n, 1 अपॉन mn, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n कैंसिल. तो बेटा a की वैल्यू भी आ गई 1 अपॉन mn. ये आ गया फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस. अब बताइए निकालना क्या है बेटा, सम ऑफ mn. हाँ भाई, सम ऑफ mn का फॉर्मूला क्या होगा, s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होगा, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n, n के प्लेस पर क्या बेटा mn. तो mn बाय 2, 2a, a की वैल्यू क्या बेटा 1 अपॉन mn प्लस n माइनस 1, वेयर n, mn माइनस 1 और d 1 अपॉन mn. इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आप. तो mn बाय 2 ये आ गया 2 अपॉन mn. चलो m 1 अपॉन mn का मल्टीप्लाई, mn से mn कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन mn. अब mn बाय 2 एज, अब इसको 2 माइनस 1 बेटा 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn, दैट इज 1 अपॉन mn प्लस 1. एलसीएम लेते हैं चलो. तो mn बाय 2 ये आ गया 1 प्लस mn अपॉन mn, mn से mn कैंसिल. तो फाइनली आंसर आ गया mn प्लस 1 अपॉन 2. ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा. तो ये थर्ड क्वेश्चन था सम ऑफ nth टर्म पर. बेटा हमारे पास एपी की दो टर्म गिवन थी और s कैलकुलेट करना था. इसको आप नोट कर लें अच्छे से. लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 20 प्लस 19 वन थर्ड प्लस 18 टू थर्ड अप टू. बेटा ये एक सीरीज गिवन है, हमारे पास एक सीरीज है और इस सीरीज का सम गिवन है. आगे लिखे मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300. बेटा इस सीरीज का सम गिवन है 300. देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. बेटा n कैलकुलेट करना है. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने टर्म्स है जिससे सीरीज का सम 300 आ जाए. तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो आप एक काम करें, इस सीरीज का सम कैलकुलेट करते हैं अपन. फॉर्मूला अभी भी पढ़ाया मैंने, एस एन फॉर्म लगाना है, एस एन एन बाय 2, एन बाय 2, 2 ए, ए क्या बेटा 20, तो जाएगा 40 प्लस एन माइनस 1. अब चलो डी कैलकुलेट करते हैं. डी कितना होगा बेटा, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये कितना होगा,
58 by 3 minus 20, that is minus 2 by 3. बेटा कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस है माइनस टू बाई थ्री. चलो पुट कर देते हैं माइनस टू बाई थ्री. और सम गिवन है बेटा 300. अब हम कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा. क्या आएगा n बाई टू 40 माइनस 2n, माइनस टू बाई थ्री का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस टू एन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 300. अब एलसीएम लेते हैं बेटा, ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 120 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 300. तो ये हो गया बेटा 122 माइनस 2n इंटू n इज इक्वल टू 1800. 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0. बेटा ये बन गई n की क्वाड्रेटिक. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यू आएंगी, 36 एंड 25. एन की दो वैल्यू होंगे बेटा, 36 एंड 25. ये है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स. अब आप जरा सोचो बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर दो आ रहे हैं, डबल आंसर कैसे हो सकते हैं भाई? आप सोचो, एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, तो या तो 25 तक का सम 300 होगा, तो 36 क्या कर रहा है यहां पर? ये बोल रहे 36 तक की जो टर्म होंगी उनका सम भी 300 होगा. भाई आप सोचो, सम तो 300 है, 36 तक का सम निकालोगे तो भी 300 आएगा, और 25 तक का सम निकालोगे तब भी 300 आएगा. इसका कारण बताता हूं मैं आपको. देखो ऐसा क्यों हो रहा है. देखो बेटा, जब आप 25 तक का सम निकालेंगे तब तो 300 आना ही है. अब जैसे 26 टर्म निकालते, चलो T26 निकालते, T26 वाली टर्म हम कैलकुलेट करते हैं. T26 क्या होगा? A मतलब 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 25, और d क्या बेटा? माइनस 2 बाई 3. चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये? 60 माइनस 50 अपॉन 3, दैट इज 10 बाय 3. बेटा T26 जो है वो 10 बाय 3 है. तो बताओ T26 10 बाय 3 है. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, T26 10 बाय 3 है, तो T27 क्या होगी बेटा? माइनस 2 बाय 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 8 बाय 3 होगी. जरा सोचो, तभी कॉमन डिफरेंस माइनस 2 बाय 3 होगा. 8 माइनस 10 माइनस 2, फिर क्या आएगा बेटा? 6 बाय 3. बेटा ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है, फिर क्या आएगा? 2 का डिफरेंस निकालते हैं, 4 बाई 3, फिर 2 बाई 3, फिर 0, फिर माइनस 2 बाई 3, फिर माइनस 4 बाई 3, माइनस 6 बाई 3, माइनस 8 बाई 3, माइनस 10 बाय 3. अब आप देखना बेटा, ये 26 है, ये 27 है, 28, 29, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. फिर से कैलकुलेट करता हूं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. आप देखें 26 से लेकर 36 तक की टर्म मैंने कैलकुलेट कर ली. अब चलो इनको ऐड करते हैं. अब जैसे आप ऐड करेंगे तो 2/3, 2/3, 4/3, 4, 6/6, 8/10, 8/10. तो बेटा इनका सम क्या आया? 0. इसलिए बेटा 25 और 36 दो टर्म आ रहे हैं, क्योंकि 25 तक का सम तो 300 है, बट आगे का जो सम है
वो जीरो है, तो 300 प्लस जीरो 300, ओके। तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन था बेटा ये, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज मैंने सम ऑफ nth टर्म कंप्लीट करा दिया है और tn भी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था, ओके।